सुबह सुबह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? महात्मा जी ने मुझसे पूछा। क्या बताऊं महात्मा जी, बहुत बुरा सपना देखा है आज। क्या देखा? महात्मा जी, मैंने देखा घर के बिल्कुल सामने एक दो सूंड वाला हाथी खड़ा है और उसके ऊपर एक इतना विशाल काय पक्षी बैठा है। उसकी परों के ऊपर वेद के मंत्र लिखे हैं और मैं देखकर दंग रह गया कि उसकी चोंच में मानव मांस था। वह जिंदा आदमी को खा रहा था, हे भगवान। और पीछे एक गाय बैठी बैठी अपने बछड़े को चाट रही थी। इतना प्यार मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसने चाट चाट कर अपने बछड़े की सारी चमड़ी उधेड़ दी थी और उसमें से खून रिस रहा था। महात्मा जी हंसने लगे। इसमें नया क्या देख लिया? दो सूंड का मतलब है आज के जमाने में हर आदमी के दो रूप हैं, एक दुनिया को दिखाने का और एक खुद कई देखने का। महात्मा जी, पक्षी वाली बात समझ में नहीं आई। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर लोग एक दूसरे का मांस खाने को तैयार होंगे। जहर फैल जाएगा समाज में, यही तो दर्शाता है। और महात्मा जी, वो गाय अपने ही बछड़े को? अरे उसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? ऐसा समय आ गया है इंसान सिर्फ अपनी औलाद से प्यार करता है और प्यार भी इतना